UPSC के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए TG क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी लेक्सिकन वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेक्सिकन सीरीज, लेकिन इस सीरीज में हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा सीरीज है इकोनॉमी में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑर्टिकोलॉजी और सिंकोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने इकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज सी दैट वीडियो सो दैट यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी का मतलब सिंपल टर्म्स में इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स का जो रिलेशनशिप होता है उसी के स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंटर रिलेशनशिप, ये स्टडी इंटर रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप कहाँ हो रहा है, ये रिलेशनशिप हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो इसी के स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। और ये जो ऑर्टिकोलॉजी है और सिंकोलॉजी है, ये एनवायरनमेंट के टाइप्स हैं, सॉरी इकोलॉजी के टाइप्स हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ इकोलॉजी। इट इज़ ऑर्टिकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशंस और स्पीशीज एंड इट्स एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड ऑर्टिकोलॉजी। तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं किसी भी एक स्पीशी या फिर उसी स्पीशीज के पॉपुलेशन के इंटरेक्शन का उसके एनवायरनमेंट के साथ, तो उसी को स्टडी को हम कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी। अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो यहाँ पर एक फ़िश का एग्जांपल दिया है। अ सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश, उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसा है और एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कैसा है। एनवायरनमेंट में क्या होगा, किसी भी फिश का एनवायरनमेंट, उनका लिविंग हैबिटेट होगा। मान लीजिए अगर ये शिप सी में रह रही है या फिर ओशन में रह रही हैं, तो इनका हैबिटेट या फिर एनवायरनमेंट ओशन हो जाएगा। अगर रिवर में है तो रिवर हो जाएगा, पॉन्ड या लेक में है तो पॉन्ड और लेक हो जाएगा। सो दैट वुड बी देयर एनवायरनमेंट। और इनका इंटरेक्शन खुद से और इनके एनवायरनमेंट्स के स्टडी को हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आपको दो टर्म समझने के लिए हैं, एक है पॉपुलेशन, दूसरा है स्पीशीज़। सो स्टार्टिंग स्पीशीज़, स्पीशीज़ क्या होते हैं, स्पीशीज़ आर दी ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो इंटरब्रीड करने के कैपेबल हो और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेंगे वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं वो फिर से फर्दर इंटरब्रीड करके अपने स्पीशीज़ को बढ़ा सकें। ओके, सो दैट इज़ टर्म्ड एज अ स्पीशीज़। और पॉपुलेशन क्या होता है, एक ही स्पीशीज़ के कई लोग एक ही जगह रह रहे हों तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वी ह्यूमन बीइंग, हम इंसान होमो सेपियंस हैं, वी आर ऑफ सिंगल स्पीशीज़, हम कई एक जगह बहुत लोग रहते हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, सिमिलरली इफ़ देर इज़ अ फिश, लॉट्स ऑफ फिश आर देयर, तो वहाँ पर फिश की पॉपुलेशन हो जाएगी। सो दिस सिंपली वी मीन बाई ऑर्टिकोलॉजी। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सिंकोलॉजी या फिर कम्युनिटी इकोलॉजी, इसको दो टर्म में बताया गया है, सिंकोलॉजी या फिर कम्युनिटी इकोलॉजी, दोनों ही एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ इकोलॉजी। इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें स्पेसिफिकेशन ये है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट। तो वहाँ पर बस एक सिंगल सा डिफरेंस है इसमें, वहाँ पर एक सिंगल स्पीशीज़ और या फिर उनका पॉपुलेशन था, यहाँ पर कम्युनिटी या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल स्पीशीज़ हैं, मल्टीपल स्पीशीज़ एंड ऑर्गेनिज्म। कोई नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ फ्लोरा होगा या फौना होगा, फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल, सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स होंगे या फिर एनिमल्स ही एनिमल्स होंगे। दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, फ्यू प्लांट्स कैन इंटरेक्ट विद अदर प्लांट्स, प्लांट्स कैन इंटरेक्ट विद एनिमल, एनिमल कैन इंटरेक्ट विद अदर एनिमल। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एक बग है, एक यहाँ पर लीच है, मतलब कि तो ये दो ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इंटरेक्टिंग वुड बी कॉल्ड एज सिंकोलॉजी। ओके, सो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सिंकोलॉजी, वो क्या हैं, तो इनमें है एक पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोम इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो सिंपल सा टर्म है, जैसे कि हमने मतलब कि एक से ज़्यादा स्पीशीज़ का अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसी को हम कहेंगे सिंकोलॉजी। अब इनके टाइप्स को हम समझना चाहें तो पहला है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन मतलब एक स्पीशीज़ है या फिर बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, उनकी अपनी पॉपुलेशन है, तो एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्ट कर रहा है किसी एनवायरनमेंट, उसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहेंगे। सेम इज़ विद कम्युनिटी, कम्युनिटी में बहुत सारे स्पीशीज़ या बहुत सारे पॉपुलेशन आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, सिंगल स्पीशीज़ कोई रहेगी, उनकी बहुत ढेर सारे पॉपुलेशन या फिर बहुत सारे लोग रहेंगे। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम मान लेते हैं फिशी, हमने लिखा था एग्जांपल में, एक फिश है, बहुत सारे फिश है, तो एक दूसरे का इनका इंटरेक्शन जो होगा उसी को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहेंगे। इन केस ऑफ कम्युनिटी देयर वुड बी सेवरल स्पीशीज़, फिश है यहाँ पर, प्लांट है यहाँ पर, दूसरे टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स लाइक सी हॉर्स, तो इनके इंटरेक्शन एनवायरनमेंट में हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहेंगे। वहीं अगर हम बात करें बायोम इकोलॉजी का, तो बायोम इकोलॉजी क्या हो जाएगा, बायोम इकोलॉजी का भी सिंपल सा फंडा है। बायोम में क्या क्या होता है, बायोम हमने पढ़ा था, बायोम सिंपली मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ ऑल दी
बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि चाहे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, लेकिन इनके अलावा भी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके इंटरेक्शन को के स्टडी को भी हम बायोम के अंदर पढ़ते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज बायोम इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी के केस में क्या होता है, इकोसिस्टम हमने पढ़ा है, इकोसिस्टम इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ एक एरिया है, मान लीजिए कोई एरिया है इसमें बहुत सारे बायोटिक एक बायोटिक कंपोनेंट हैं तो उनके इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से कई इकोसिस्टम होंगे, मान लीजिए एक इकोसिस्टम यहाँ है, एक इकोसिस्टम यहाँ है, एक इकोसिस्टम यहाँ है, तो इनके इंटरेक्शन को हम कहेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी। ओके, एंड बायोम क्या था हमने पढ़ा था, ये भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। बायोम मतलब एक ही तरीके के इकोसिस्टम बहुत ह्यूज एरिया में फैले हों तो उसको हम बायोम इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे इकोसिस्टम, मान लीजिए 2 से 3 इकोसिस्टम एक में मिलकर दूसरे इकोसिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी। फाइन, सो ये टाइप्स ऑफ या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सिनिकोलॉजी था। अब इकोलॉजी के थोड़े और टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है अप्लाइड इकोलॉजी। तो अप्लाइड इकोलॉजी क्या होगा, इसमें थोड़ा स्पेशलाइज फील्ड को हम स्टडी करते हैं, स्पेशलाइज फील्ड को या फिर स्पेशलाइज इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं जो कि हमारा कंजर्वेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो इन सब प्रोसेसेस में क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको हम ओवर एक्सप्लॉयट करने लगते हैं। ओवर एक्सप्लॉयट मतलब कि हद से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम आता है, और इसी इंटरेक्शन को हम अप्लाइड इकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जीनोकोलॉजी। जेनेटिक लेवल पर कोई चेंजेस आ रहे हैं या फिर जेनेटिक लेवल पर जो इंटरेक्शन हो रहे हैं वो हम जीनोकोलॉजी में पढ़ेंगे। एग्जांपल्स के लिए जैसे कि जेनेटिक तौर पर जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ कुछ भी है, तो वो नेचर के अलॉन्ग अपने जेनेटिक इंटरेक्शन या फिर जेनेटिकली वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बियर्स का ले लेते हैं, भालू जो होते हैं, तो पोलर बियर जो होते थे पहले वाइट कलर में होते थे, स्लोली व्हाट हैपेंड आफ्टर आइजेस द क्लाइमेट स्टार्टेड चेंजिंग। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हुआ, दीज पोलर बियर स्टार्टेड चेंजिंग द कलर टू ब्राउन। Why the changes started their changing color to brown? So that they can stay in forest. Forest में अपने आप को easily hide कर सकें, अपने और दूसरे को शिकार कर सकें और easily survive कर सकें। That's why this genetic modification was changed. और इसी type के study को हम genealogy ecology कहते हैं, या फिर genealogy कहते हैं। Next is social ecology. सोशल इकोलॉजी इज़ वेरी सिंपल, इट्स इंटरेक्शन या फिर स्टडी ऑफ इंटरेक्शन रिलेशनशिप इन सोसाइटी। सोसाइटी में कौन रहते हैं, वी ह्यूमन प्लांट्स एनिमल एवरीथिंग लिव इन सोसाइटी, तो वहाँ पर रिलेशनशिप के स्टडी को हम सोशल इकोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट इज हैबिटेट इकोलॉजी। हैबिटेट इकोलॉजी में क्या होता है, हम किसी भी हैबिटेट हमने पढ़ा है कोई भी रहने का स्थान कह सकते हैं, लाइक ह्यूमन्स हैबिटेट वुड बी देयर हाउसेज, फिशेज के जो हैबिटेट होंगे उनके वाटर बॉडीज होंगे, एनिमल्स के जो भी हैबिटेट होंगे वो फॉरेस्ट होंगे, प्लांट्स के कुछ ट्रीज होते हैं उनका हैबिटेट फॉरेस्ट होगा। तो हम जो हैबिटेट का इंटरेक्शन होता है, एक हैबिटेट का इंटरेक्शन दूसरे हैबिटेट के साथ या फिर उस हैबिटेट में जो स्पीशीज़ रह रही हैं उन स्पीशीज़ का इंटरेक्शन दूसरे हैबिटेट के स्पीशीज़ के साथ, उसको हम हैबिटेट इकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम इकोलॉजी। तो सिस्टम इकोलॉजी में हम थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं, इकोलॉजिकल जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको हम मैथमेटिकल या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल में इंटरप्रेट करते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज सिस्टम इकोलॉजी। फाइन, सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इकोलॉजी क्लियर हो गया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट की उस टॉपिक पर वीडियो बने प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन गुड बाय।